हेलो एवरीवन, जब से मैंने इस चैनल पे अपना फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था तब से मेरे बुक कलेक्शन देखने की इच्छा थी सबको, तो आप सबके लिए मैं आज वो शेयर कर रही हूँ। लेकिन उस बुक कलेक्शन को देखने के बाद भी मुझे बहुत सारी बातें करनी है, सो स्टे ट्यून्ड, कहीं जाना मत। ओके, एंजॉय। सो आई होप दैट यू एन्जॉयड इट। मैंने नाम इसलिए लिखे थे ताकि जो भी बुक अच्छी लगे आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसे सेव कर सकें। ये तो सिर्फ 50 बुक्स थी, मेरे पास 200 से ज़्यादा बुक्स जमा हो गई थी एक्चुअली, जो कि एक बहुत कम नंबर तो है मेरे लिए। खैर, इस स्टोरी पे मैं बाद में आती हूँ, अभी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। दो बुक्स जो इस लिस्ट में नहीं है, जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, वो है नॉट विदाउट माई डॉटर्स और द एल्केमिस्ट। नॉट विदाउट माई डॉटर्स मैंने अपनी एक टीचर फ्रेंड को दी है जिन्होंने अब तक उस बुक को रिटर्न नहीं किया, बिकॉज एक बुक लवर के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि पीपल टेक योर बुक एंड देन नेवर गिव इट बैक टू यू। अब मुझे उस बुक की न्यू कॉपी खरीदनी पड़ेगी, बिकॉज मुझे मांगना अच्छा नहीं लगता, भले मेरी चीज़ क्यों ना हो। मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा लोगों में वो सेंस होना चाहिए चीज़ रिटर्न करने का। नॉट विदाउट माई डॉटर एक रियल कहानी है, कैसे एक ईरानी हस्बैंड ने अपनी अमेरिकन वाइफ को ईरान में बंद कर दिया था और अपनी छोटी सी बेटी को भी। तो उसकी वहाँ से जो ईरान में जर्नी थी उस औरत की, वहाँ से वो निकल पाई नहीं निकल पाई, क्या हुआ, उसके बारे में रियल कहानी है। और मैं उन कैरेक्टर से इतना अटैच हो गई थी कि मैं अब तक उन कैरेक्टर्स को भूल नहीं पाई हूँ। द एल्केमिस्ट आपको मैं समझाऊंगी नहीं, आपको खुद पढ़नी चाहिए। आई थिंक ये अलग अलग भाषा में भी अवेलेबल है क्योंकि इट इज़ ब्यूटीफुल। आपने शायद ये एक्सपेक्ट किया होगा कि मेरे पास बहुत इंटेलेक्चुअल बुक्स होंगी और यू नो लाइक सेल्फ हेल्प की बहुत सारी बुक्स होंगी, नॉन फिक्शन एंड ऑल। बट मैं नॉलेज के लिए इंटरनेट प्रिफर करती हूँ, क्योंकि आजकल इतना विकसित हो गया है सब कुछ, बड़े बड़ी बुक्स को लोग 5 मिनट में यूट्यूब पे समझा दे रहे हैं। आई नो पढ़ने की बात कुछ अलग होती है, बट नॉन फिक्शन बुक्स में आपको सिर्फ की पॉइंट्स लेने होते हैं और वही की पॉइंट्स लोग इंटरनेट पे, कई सारे ऐप्स पे, ब्लॉग्स में उसे समझा रहे हैं। तो नॉलेज के लिए, नॉलेज वाली बुक्स के लिए मैं इंटरनेट प्रिफर करती हूँ। बाकी बुक्स मेरे लिए एक एस्केप है, जहाँ कोई लोग ना हो, कोई प्रॉब्लम्स ना हो, कोई ख़राब सिचुएशन, मैं बस खो जाऊँ किसी और दुनिया में। मुझे लोगों की लाइफ, उनके कल्चर, उनके जीने का, सोचने का तरीका, ये सब जानना बहुत पसंद है। तो बुक्स मेरे लिए प्योरली एंटरटेनमेंट है, इसलिए मेरे पास नॉन फिक्शन बुक्स ही ज़्यादातर हैं। जितने भी बुक्स मेरे पास हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो ये बहुत कम है, क्योंकि मेरा एक सपना है कि मेरा पूरा बेडरूम बुक्स से कवर होना चाहिए, भर जाना चाहिए अलग अलग बुक्स से। मेरी बुक्स की जर्नी बचपन से स्टार्ट हुई थी 8th स्टैंडर्ड में, जब मेरी मम्मी पहली बार मुझे बुक शॉप में लेकर गई और उन्होंने कहा कि तुझे जो लेना है वो ले। उस शॉपकीपर ने बोला कि मैम आजकल चेतन भगत की बुक्स बहुत चल रही हैं, तो मैंने चेतन भगत की सारी बुक्स खरीद ली थी तभी 8th स्टैंडर्ड में। इस वीडियो में मैंने वो सारी बुक्स नहीं दिखाई हैं, दुर्जय दत्ता की सारी बुक्स है वो नहीं दिखाई हैं, रविंदर सिंह की बहुत सारी बुक्स हैं वो नहीं दिखाई हैं, क्योंकि
ये बहुत कॉमन हो गई है आजकल, आपको हर जगह आप ना ढूंढोगे तो भी यही बुक्स आपको हर बुक स्टॉल में दिखते जाएंगे, इट्स वेरी कॉमन। उसके अलावा मेरे पास जितनी बुक्स हैं वो मैंने शेयर करने की कोशिश की है। सो ये था मेरा बुक कलेक्शन, थोड़ा सा अभी बिल्डअप नहीं हुआ है कलेक्शन अच्छे से, बहुत सारी बुक्स मुझे चाहिए। मेरे फ़ोन में बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स सेव्ड हैं जो बुक्स मुझे पढ़नी है उसकी, और बर्थडेज पे मैं वो अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर देती हूँ, देख ये बुक चाहिए मुझे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, इतना पेशेंस से मेरी बात सुनने के लिए, आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू। ताकि कोई तो है मुझे मेरी बुक्स दिखाने के लिए, बुक्स की बातें करने के लिए, जो भी मैं बोलना चाहती हूँ हमेशा वो सुनने के लिए कोई है, इसके लिए मैं बहुत अच्छा और ग्रेटफुल फील करती हूँ। मेरे अंदर एक गीत छुपी हुई है जब वी मेट की, जिसे बहुत बोलना होता है। वैसे मैं बहुत कम बात करती हूँ अपने लाइफ में, सिर्फ कैमरा के सामने मैं बहुत बात करती हूँ, तो उस गीत को दर्शाने का एक चांस देने के लिए मंडल आप ले आभारी आए। बाय।